Assalamualaikum. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल की जो सीरीज वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, उसमें हमने क्या किया था कि वाईफाई मॉड्यूल जो ESP8266 का मॉड्यूल है उसको हमने रीसेट किया था, उसको कनेक्ट किया था, उसका मोड हमने सेट किया था, उसका लिंक आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। आज की जो वीडियो है वो इसके बारे में है कि हम ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हुए LM35 टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग को किस तरह अपने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो डेटाबेस बना है वेब सर्वर के जरिए हम उसके अंदर स्टोर करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंसेप्ट ही यही है कि हमने क्या करना है कि सेंसर्स के डेटा को एनवायरमेंट से कलेक्ट करना है और उस सेंसर के डेटा को हमने ओवर द वेब सर्वर भेजना है। अब वो वेब सर्वर आपका लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर भी हो सकता है और ओवर द क्लाउड भी हो सकता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे मैं भी अपने ऑफिस में बैठा था और वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो वो मैसेज मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो बात यह है कि बात हो रही थी सब्सक्रिप्शन की। देखें आपको क्या आ जाता है, नीचे बटन है रेड कलर का, उस पर आप क्लिक कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए ताकि मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकूँ, वो मोनेटाइजेशन जो है ना वो मेरी हो सके, ठीक है ना। और वीडियो को आखिरी हद तक देखें ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़े। और एक बात और कि ये वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। तो एनी हाउ जो भी है आप बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको रेलेवेंट जो एजुकेशन स्टफ़ है वो आपको मिलता जाए, और काइंडली आप इसको शेयर भी करें ताकि और लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी नहीं है या इसमें एक्सप्लेन ठीक से नहीं हुआ, तो काइंडली आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं अपने आप को और भी जो है वो अपना पॉलिश कर सकूँगा अपने नॉलेज को और अच्छा कंटेंट ला सकूँगा। तो चलिए जाते हैं, देखते हैं कि और क्या होगा इस वीडियो के अंदर मिला है। तो चलिए स्टार्ट। अच्छा जी, तो आप पहले यहाँ पे ज़रा ये डायग्राम ज़रा समझ लें। देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ESP8266 का सर्किट है। इसको मैंने पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम कनेक्ट करेंगे इस वाईफाई के साथ जो मेरे लोकल एरिया नेटवर्क पे है। इसके अंदर एक आईपी पूल है 192.168.8 का आईपी पूल है, ठीक है ना। और ये जैसे इसके अंदर कनेक्ट होगा तो ये इस पूल में से एक आईपी एड्रेस इसको असाइन कर देगा, क्लियर। ये जो मेरा लैपटॉप है इस लैपटॉप के अंदर एक जेम सर्वर पड़ा हुआ है जो कि एक ये लैपटॉप एज ए वेब सर्वर काम कर रहा है, ठीक है। इसको भी मैंने इस वाईफाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इट मीन्स कि ये सारा अब एक ही नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। अब क्या जैसे ही ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो इसको वाईफाई के सिग्नल मिल जाते हैं, फिर ये TCP कनेक्शन बनाएगा, TCP कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, यहाँ से आएगा इस सर्वर के पास, ये सर्वर फिर रिस्पॉन्स देगा इसके ज़रिए कि TCP कनेक्शन ओपन हो गया है। जैसे ही ओपन होता है फिर ये क्या करेगा, अपने जो LM35 सेंसर का जो डेटा इसने रिसीव किया है वो इसको इस रूट के ज़रिए इस सर्वर के पास भेज देगा। इस सर्वर के अंदर पूरा एक डेटाबेस बना है, एक फाइल है, उस फाइल के ज़रिए क्या हो जाएगा, उस डेटाबेस के अंदर इसकी एंट्री होती जाएगी। तो रियल टाइम में हमारे पास इस चीज़ का जो डेटा है वो इस तरह के रूट के ज़रिए इस सर्वर के अंदर सेव होता जाएगा। अब सिंपल बात यहाँ पे यह है कि ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर आप चाहते हैं कि ओवर द इंटरनेट फिर इस लैपटॉप को या इस सिस्टम को या इस विजेम या वेब सर्वर को ओवर द इंटरनेट होना चाहिए, जब इंटरनेट पे होगा इसका फिर ये आईपी एड्रेस नहीं होगा बल्कि पब्लिक आईपी होगी। आपने सिंपल यहाँ पे इसकी जगह पब्लिक आईपी डाल देनी है और इसके अंदर भी जो है ना आपने फिर जब जो HTTP कनेक्शन इस जिस सर्वर के साथ आपने बनाना है उसका पब्लिक आईपी भी आपने इसके कोडिंग के अंदर डाल देना है। वो किस तरह है आइए चलिए देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह काम। अच्छा, तो हम आ गए अपने सिस्टम पे और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कोड के जो कोड बना है वो ये है कि आपने अगर नास लेक्चर नहीं देखा तो आप काइंडली ऊपर लिंक पे क्लिक कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सेटअप किस तरह बना है, ठीक है। ये सब कुछ हमने किया था, हमने ESP को रीसेट किया, फिर रीसेट करने के बाद उसका मोड हमने जो है एक्सेस पॉइंट एज वेल एज स्टेशन कर दिया। उसके बाद हमने वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के साथ उसको कनेक्ट करेंगे, इसके जरिए कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये फंक्शन है, ये फंक्शन हम कब कॉल करेंगे, ये फंक्शन हम तब कॉल करेंगे जब हम यहाँ पे डेटा को कनेक्ट करेंगे। LM35 सेंसर को मैंने
सर्किट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, आपको सामने राइट साइड स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा वो सर्किट। अच्छा, इसके अलावा LM35 सेंसर मैंने किन किन पोर्ट्स पे लगाया है तो वो आपको ऊपर लिंक पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है LM35 सेंसर के बारे में, पूरी डिटेल की वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि LM35 सेंसर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो आप कहेंगे वो लेक्चर देख लें। मैं वही कोड यहाँ पर डाल रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है मैंने कि नाउ आई एम इन द लूप, फिर क्या होगा कि एनालॉग रीडिंग देगा LM35 सेंसर जो कि एनालॉग पिन के साथ कनेक्टेड है UNO के साथ, आर्डिनो UNO के साथ, वो डाटा क्रिएट होगा टेम्परेचर सेंसर का। और यहाँ पे एक वेरिएबल टी है जो कि फ्लोट का वेरिएबल है, मैंने टी और ये टी जो वेरिएबल है ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। देखें फ्लोट टी इज इक्वल टू 0 जो कि ग्लोबल वेरिएबल है भाई, कहीं से भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। फिर मैंने क्या करना है कि इसको सीरो मोनिटर पर प्रिंट करना है इसको, उसके बाद टेम्परेचर सेंसर का जो वैल्यू है इस फ्लोट वैल्यू को मैंने एज अ स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया है, क्योंकि जब मैं इसको वेब सर्वर पे भेजूंगा तो हमें स्ट्रिंग की वैल्यू चाहिए होगी। फिर देखें यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है कन्वर्जन के लिए कि हमने इस एनालॉग वैल्यू को जो टेम्परेचर सेंसर में दे रहा है इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो उसका ये फार्मूला है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको एक्स वेरिएबल में डाल दिया और ये वेरिएबल फिर हमने एक दूसरी वेरिएबल में डाला है मैंने जो कि एक स्ट्रिंग की स्ट्रिंग वेरिएबल है। इस स्ट्रिंग वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया है प्रिंट कर दिया, प्रिंट स्ट्रिंग मीन्स ये सीरियल मोनिटर का जो मेरा मस ये वैल्यू यहाँ पे ये इसको नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखें ये दो वैल्यूज हमने ले लिए हैं, एनालॉग की वैल्यू भी ले लिया, डिजिटल की वैल्यू भी, सेंटीग्रेड की वैल्यू भी हमने ले ली है। इस एनालॉग रीडिंग को और ये सेंटीग्रेड की रीडिंग को हम क्या करेंगे, दोनों को हम वेब सर्वर पे भेजेंगे। तो ये चूंकि दोनों ग्लोबल वेरिएबल हैं टेम्परेचर अंडरस्कोर सी और टेम्परेचर अंडरस्कोर एनालॉग, तो आपको मैं ऊपर दिखा दूँ यहाँ पे देखें स्ट्रिंग की वैल्यू है टेम्परेचर अंडरस्कोर एनालॉग और टेम्परेचर अंडरस्कोर सेंटीग्रेड, क्लियर। फिर HTTP पोस्ट फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो यहाँ पे मेरी कमांड आ जाएगी इधर, तो इधर मैंने ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि एक डाटा की स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर किया है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या किया है कि ये एक वैल्यू डाली है, देखें हमारा सेंसर डाटा किस तरह भेजेगा, वो सेंसर अपने अंदर कमांड लिखेगा ESP का जो सेंसर है ESP HTTP:// फिर IP एड्रेस होगा, फिर पोर्ट नंबर होगा उस वेब सर्वर का जहाँ पे डेटाबेस पड़ा हुआ है, फिर डेटाबेस के अंदर देखें IoT का एक फोल्डर बना हुआ है जो कि एक डेटाबेस है, उसके अंदर हमने ये एक पेज रखा है। इस पेज के जरिए हमारा क्या होगा डेटाबेस के अंदर एंट्री होगी। इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क आपको शो करता है कि इसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग शुरू हो रही है। PHP में क्वेरी स्ट्रिंग होती है कि जिसके जरिए हम गेट मेथड के जरिए और पोस्ट मेथड के जरिए हम क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये T_analog और T_centi ये दोनों वेरिएबल्स हमने यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं ये सेम एग्जैक्ट होने चाहिए जहाँ पे ये पेज पड़ा हुआ है, इस पेज के अंदर जो हम इसको रिसीव करेंगे तो वहाँ पे भी ये एज इट इज़ होना चाहिए। अगर इसमें कोई चेंजिंग आप यहाँ पे लाते हैं तो वहाँ पे अगर चेंजिंग गलत हुई तो फिर आपको मसला होगा। किस तरह देखें मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो ये जो पड़ा हुआ है ये सी में आप जाएंगे, सी में जैम में जाएंगे, जैम के बाद HTTP docs, फिर यहाँ पे देखें IoT का फोल्डर पड़ोगे, IoT पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको LM35 सेंसर का ये LM35S.php की फाइल है। यहाँ पे Arduino कोड में देखें LM35S, ये मैंने कमेंट लिखा था कि आप अंदाजा हो जाए कि बैकग्राउंड पे क्या होगा, ठीक है ना। अब मैं इस फाइल के अंदर जाता हूँ तो ये देखें जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि T_analog और T_centi ये दोनों सेम जहाँ पे जो नाम दिए हैं आपने वही नाम आपने यहाँ पे भी देने हैं, या यहाँ पे आपने जो नाम दिए हुए हैं वो इस PHP की फाइल के अंदर से इस गेट मेथड के अंदर सेम होना चाहिए, क्योंकि ये गेट मेथड जो है ये URL से क्वेरी स्ट्रिंग से इस वैल्यू को देखेगा कि इस वैल्यू के अगेंस्ट क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे देखें कि मैंने इस वेरिएबल को इस वेरिएबल के अंदर मैंने कौन सा डेटा डाला है, temperature_analog जो कि LM35 सेंसर से हमने ऑलरेडी लूप के फंक्शन लूप की बॉडी के अंदर हमने रिसीव किया है। फिर इसी तरह T_centi यहाँ पे जो है ना मैंने इससे वैल्यू डाली है, कौन सी जो सेंटीग्रेड की वैल्यू है उसके अंदर डाल दी। अब देखें यहाँ पे और यहाँ पे एनालॉग और सेंटी की वैल्यू सेव हो गई है, ठीक है ना। इसके बाद ये तो हमारा क्वेरी स्ट्रिंग था, इसके बाद हमने क्या करना है कि जब ASP डेटा भेजेगा ASP डेटा भेजेगा वेब सर्वर के ऊपर तो वेब सर्वर के अंदर सॉकेट ओपन होना चाहिए, क्योंकि हम HTTP फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने TCP कनेक्शन बनाना है।
तो हम क्या करेंगे कि ESP को हम एक कमांड भेजेंगे, ये कमांड है, TCP कनेक्शन बनाएंगे और किस सर्वर के साथ बनाएंगे, जो मेरे लैपटॉप के अंदर जो वेब सर्वर पड़ा हुआ है, कौन सा वेब सर्वर, जैम का, मैं आपको दिखाता हूँ जैम। ये देखिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए जैम का सर्वर 8081 पोर्ट पे ये ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे सर्वर को मैंने कौन सा आईपी देना है, मैं आपको आईपी जो दिखा दूँ, ये देखिए 192.168.8.101, ये मेरे फ्यूचर नेटवर्क के साथ ये कनेक्टेड है। अच्छा तो ये क्या करेगा, ये इस आईपी एड्रेस के पास जाएगा 192.168.8.101, ये हमारा यहाँ पे मैंने ऑल लिखा हुआ है 192.168.8.101, क्लियर, इस सर्वर के पास जाएगा और क्या करेगा, TCP कनेक्शन बनाएगा इस पोर्ट पे। तो जैसे ये जाएगा उसके रिस्पांस आता है ओके, तो इसका मतलब ये TCP कनेक्शन रेडी है। अगर ओके नहीं आता तो हम कहाँ जाएंगे, हम एल्स की बॉडी में आएंगे और हम प्रिंट करेंगे TCP नॉट ओके, फंक्शन की जो कॉल है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और दोबारा लूप स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो एनालॉग और सेंटी की वैल्यू लेगा ओके। अगर हमारे पास ओके आता है कहाँ से, इस सर्वर से, तो इतनी TCP कनेक्शन रेडी हो गया। फिर हमने क्या करना, गेट मेथड को रेडी करना है, ये डाटा जो है, इस डाटा को, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, इस डाटा को हमने इनक्लोज करना है कहाँ पे, गेट मेथड के साथ। तो गेट मेथड इस्तेमाल होगा, URI हमारे पास क्या है, देखें सर्वर है ना, सर्वर हमारे पास देखें यहाँ पे देखा हुआ है, सर्वर कौन सा है, 192.168.8.101 पे जाओगे, फिर वहाँ पे क्या करो, अपने URI लिखाना है। URI क्या है, IoT LM35 सेंसर, इस फाइल को आपने एक्सेस करना है। इस फाइल को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि आपका ये फाइल कहाँ पे पड़ा हुआ है, IoT पोर्टल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ये URI डालेंगे। अब URI क्या है, आप ऊपर देखें, एक स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर किया हुआ है और देखें यहाँ पे लिखा है /IoT LM35S.php और ये क्वेरी स्ट्रिंग का जो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ तक मैंने इसको इसके अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ तक आ जाएगा। फिर प्लस एमेंड हो जाएगा, कंकेटिनेट हो जाएगा, कौन सा, ये डेटा, डेटा क्या है, देखें यहाँ पे टी से पहले क्या होगा, ये देखें टी से पहले क्या क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। ये डेटा अभी हमने भेजा नहीं है क्योंकि ये सारा का सारा देखें, ये पूरा जो है ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर IoT/LM35S.php लिखा आ जाएगा, फिर प्लस डेटा क्या है, यहाँ से ये डेटा ले लेगा, फिर सर्वर का सर्वर IP डाले के पूरी बड़ी सी लंबी सी स्ट्रिंग बन जाएगी जो कि गेट रिक्वेस्ट के अंदर हमने सेव कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर पूरा का पूरा डेटा हमारा पड़ा होता है, ठीक है, ये हम एक साथ भेजेंगे। भेजने से पहले ESP को हमने एक कमांड भेजी होती है, CIP send, इससे क्या होगा, जैसे हम इसको सेंड करेंगे तो इसके एग्जैक्टली हमने इसके बाद हमने ये जो गेट रिक्वेस्ट है जो पूरी लंबी सी ये स्ट्रिंग बनी हुई है, इसकी पूरी लेंथ हमने ESP को भेजनी होती है कि ESP को हम बता दें कि यार आप क्या करो, आपने इस पूरी लेंथ, इतनी लेंथ का डाटा भी हमें भेजूंगा। तो जैसे ही आप इसको सेंड कर देते हैं ESP सेंड को और उसके बाद गेट रिक्वेस्ट को सेंड कर देते हैं, तो फिर आपका क्या होगा, आपको वहाँ से रिस्पॉन्स अगर ये आ जाता है, ये करेक्टर अगर आपका रिस्पांस आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप क्या करोगे, डेटा को सेंड कर सकते हो। तो जैसे ही आपको ये कमांड मिलेगी, रिसीव होगी, आपने क्या करना है, गेट रिक्वेस्ट इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को आपने भेज देना, ये हमारा एक्चुअल डेटा है जो कि उस सॉकेट पे जाएगा जहाँ पे सर्वर अभी ओपन है, गेट रिक्वेस्ट पे चला जाएगा, फिर हम थोड़ा सा डिले देना है ताकि ESP डेटा भेजेगा, फिर वहाँ से रिस्पांस आएगा, तो हमने एक सेकंड का डिले दिया है और फिर हम चेक करेंगे ESP को देखेंगे कि उससे हमें रिस्पांस आ रहा है सेंड ओके या नहीं। जब ESP हमें सेंड ओके देगा, इट मींस कि हमारा सेंड पैकेट क्या हो गया, सेंड हो गया। अगर ये नहीं मिलता हमें, इट मींस कि पैकेट रास्ते में ड्रॉप हो गया। अब देखें, पैकेट जैसे सेंड होता है तो एक्नॉलेजमेंट में ESP हमें रिस्पांस देगा, जैसे हमें वो रिस्पांस देगा हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ATCP क्लोज करो, TCP कनेक्शन को क्लोज कर लो और जहाँ से ESP हमें जो जो रिस्पॉन्स देता है उसको रीड करते जाओ। अगर आपने ESP का रिस्पॉन्स देखना है रिसीवर मॉनिटर पे, तो आप इसका इस कोड को लिख लें, अदरवाइज इसको कमेंट कर लें, इसको रिमूव कर लें, तो आपको वो सीरियल मॉनिटर पे रिसीव नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये रिकमेंड करना चाहता हूँ आपको, इस कमांड को ज़रूर डालें। उसकी वजह ये है कि हम इस ESP को का हम वेट करते नहीं हैं और हम फिर दोबारा दूसरी कमांड ESP को भिजवा देते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्लैश आ जाता है।
तो हमें पहले वेट करना चाहिए कि एचपी का रिस्पांस जैसे ख़त्म हो जाए, या यहाँ पे आप अपने आरडीनो को डिले दे दें कि आप थोड़ा सा सफर कर एचपी अगर फ्री हो जाए फिर दूसरी कमांड दे दें, या अगर आप उसका रिस्पांस देखना चाहते हैं सीओ मीटर पे या एलसीडी पे तो आप क्या करें इस कमांड को देखें, इससे आपका क्या होगा आपका कमांड चला जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं डेमोस्ट्रेट करता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कनेक्ट करता हूँ USB कनेक्शन के साथ। तो आप यहाँ पे ज़रा देखें टूल्स में आके कॉम 3 को मैंने सेलेक्ट किया, बोर्ड मेरे साथ आर्डिनो यूनो ही है। ठीक है, और मैं इसको सिंपल क्या करता हूँ अपलोड करता हूँ। अब इसका आप सीरियल मीटर पे आउटपुट ज़रा चेक करें, मॉड्यूल रीसेट मोड कॉन्फ़िगर, अभी वाई फाई लोकल एरिया नेट के साथ कनेक्टिविटी होगी। जैसे ही ये कनेक्टेड होता है मैं यहाँ पे ऑटो स्क्रोलिंग को बंद करता हूँ ताकि आपको मैं एक एक स्टेप दिखा सकूँ। यहाँ पे देखें कनेक्ट हो गया, इसका आईपी एड्रेस क्या है 192.168.4.1 एक्सेस पॉइंट का, लेकिन ये जो मेरे स्टेशन है स्टेशन कनेक्टेड है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के साथ और 8.103 है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ यहाँ पे स्टेटिस्टिक में, आप ज़रा चेक करें। ठीक है, देखें एचपी 8.103। ओके, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसने क्या किया, इसने दोबारा कनेक्टिविटी की और अब क्या कर आई एम इन द लूप। एनालॉग टेम्परेचर इसने दिया 95 और सेंटीग्रेड में इसने दिया 46.39। टीसीपी कनेक्शन रेडी हो गया, डाटा सेंड हो गया, पैकेट भी सेंड हो गया। फिर इसके बाद और नीचे आते हैं, देखें ये वो रिस्पॉन्स है कि ESP ने हमें रिस्पॉन्स दिया कि ओके हो गया है और TCP कनेक्शन क्लोज हो गया, फिर ओके आ गया कि क्लोज हो गया। इसके बाद दोबारा लूप चलेगा, लूप चलने के बाद देखें 49 इसकी एनालॉग रीडिंग है कि सेल्सियस में इसकी क्या है 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फिर ये पैकेट डेटा सेंड करता जा रहा है। आप जरा चेक करें, देखिए मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ कि मेरा बॉडी टेम्परेचर जो है अपर बॉडी टेम्परेचर ये लेगा, देखिए 26 है और अभी 29 हो गया, इस तरह ये बढ़ता चाहिए 30 हो गया। ठीक है, और अभी देखते हैं 31, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। देखिए ये नीचे आता जा रहा है। अब जाते हैं देखते हैं कि हमारे वेब सर्वर के ऊपर ये जो मेरा लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मैंने ये PHP का जो डाटा सर्वर बनाया है इसके अंदर इसमें एंट्री होती जा रही है कि नहीं होती जा रही। मैं इसको ब्राउज़र पर क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें जरा आप यहाँ पे देखें अभी 10:34 पे जो है इसकी एंट्री होगी। ये देखें अभी 18 आईडी पे है, मैं इसको फिर दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें 20 हो गया, 19, 20, ठीक है 21, 21, 22। देखें इस तरह क्या हुआ कि ये इसने क्या किया है कि सेंसर से डाटा लिया है लोकल एरिया नेटवर्क पे, ओवर द नेटवर्क इस डाटा को हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया। आप चाहते हैं कि इंटरनेट पे ये चला जाए तो आपने क्या करना होगा, सिंपल आपने यहाँ पे पब्लिक आईपी दे देनी है और जिस सर्वर के ऊपर ये फाइल पड़ी है जो डेटाबेस पड़ा है इसको यहाँ पे मेंशन कर लें आप, तो ये सिंपली उस सर्वर के ऊपर चला जाएगा ओवर द इंटरनेट। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल यही कमांड हमारे पास यहाँ पे लिखी जाती है। हाँ, इसमें और बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस हैं जो कि हम फिर फर्दर मोर अगर हम सिक्योरिटी लेवल पे चले जाएं, हमें सेंसर को सिक्योर किस तरह करना है और ऊपर वेब सर्वर को क्लाउड को सिक्योर किस तरह करना है वो एक अलग से डिबेट है। इंशाल्लाह जब टाइम मिला तो हम उसकी भी।